Qualcomm Snapdragon 782G versus MediaTek Dimensity 1080 chipset. किसी भी स्मार्टफोन का दिल होता है उसका प्रोसेसर, एंड वही डिसाइड करता है कि आपका फोन चलेगा कैसे। कमजोर दिल वाला प्रोसेसर हो तो फोन भी कमजोरी परफॉर्मेंस देता है, फिर चाहे आप उसमें 20GB की रैम ही क्यों ना डाल दो। हेलो मेरे टेक के दीवानों, कैसे हो? चलो जैसे भी हो, पर हो ना, बस फिर और क्या चाहिए। मेरा तो क्या बोलूँ यार, कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन में ऐसा फंसा कि बाहर निकलने में टाइम लग गया, पर अब कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ। तो आज लाया हूँ ये दो मिड रेंज बट कैपेबल प्रोसेसर्स जो डिमांड में है और लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत है कि कौन सा प्रोसेसर वाला फ़ोन ले। तो आज आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, बस ये वीडियो पूरी देखना, छोटी सी ही है, ओके? तो स्नैपड्रैगन 782G और मीडियाटेक 1080 दोनों ही 5G प्रोसेसर्स हैं। ये थोड़ी प्रीमियम मिड रेंज वाले फ़ोन्स में दिखाई देते हैं। दोनों ही 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस्ड चिपसेट है। 6 नैनोमीटर मींस जितनी कम नैनोमीटर वाला चिपसेट होगा उतना ही फास्ट परफॉर्म करेगा या फिर उतना ही फास्ट प्रोसेस करेगा। दोनों ही ऑक्टोकोर प्रोसेसर्स हैं। और अगर जीपीयू की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 782 में 642L और मीडियाटेक में वॉलहॉल 2 जीपीयू का यूज़ किया गया है। GPU means कौन सा फ़ोन ग्राफिक्स को या ग्राफिक्स डिमांडिंग ऐप्स को कैसे हैंडल करता है, ये सब काम जो है GPU का है। अगर इन दोनों प्रोसेसर्स की बात करूँ तो दोनों ही प्रोसेसर्स हाई ग्राफिक्स ऐप्स अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रैम सपोर्ट की बात करूँ तो दोनों में ही LPDDR5 रैम का सपोर्ट दिया गया है, बट हमें पता है कि हमको तो नहीं मिलने वाला, हमको तो LPDDR4 मैक्स मिलेगी। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो स्नैपड्रैगन 782G थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। आपको अगर बेंचमार्क स्कोर से समझाता हूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर CPU परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सिंगल एंड मल्टी स्कोर पे जब टेस्ट हुआ तो उसमें पता लगता है भाई स्नैपड्रैगन 782G ने 58 स्कोर किया है और डायमेंसिटी 1080 ने 52 स्कोर किया है। गेमिंग परफॉर्मेंस में भी स्नैपड्रैगन 782G ने 52 स्कोर किया है और डायमेंसिटी 1080 ने 39। और जो इनके नैनो रिव्यूज़ है तो नैनो रिव्यूज़ में स्नैपड्रैगन 782 ने 62 स्कोर किया है और डायमेंसिटी 1080 ने 55 स्कोर किया है। एंटूटू जो स्कोर है उनका स्नैपड्रैगन 782G का है 590,063 और डायमेंसिटी ने स्कोर किया है 494,547। मतलब 19% जो है स्नैपड्रैगन 782G ने ज़्यादा परफॉर्म किया, ज़्यादा स्कोर किया। अगर गिग बेंच की बात करूँ तो सिंगल कोर पे स्नैपड्रैगन 782G ने 773 पॉइंट स्कोर किया है, वहीं पे डायमेंसिटी 1080 ने 840 पॉइंट स्कोर किए, मतलब प्लस 9% का इसमें स्कोर ज़्यादा है। मल्टी कोर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 782G ने 2892 मतलब 2892 और डायमेंसिटी 1080 ने स्कोर किए है 2353, मतलब ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डिफरेंस तो है। 3D मार्क में स्नैपड्रैगन 782G ने 2960 स्कोर किए हैं और डायमेंसिटी 1080 ने 2302 स्कोर किए हैं, मतलब प्लस 29% ज़्यादा स्कोर किया है स्नैपड्रैगन 782G ने। अगर ओवरऑल बोलूं तो स्नैपड्रैगन 82G थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा कंपेयर टू मीडियाटेक 1080। नाउ कौन सा प्रोसेसर वाला फ़ोन? तो देखो भाई, दोनों ही अच्छे प्रोसेसर्स हैं और दोनों में ही आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। दोनों ही चिपसेट प्रीमियम मिड रेंज वाले फ़ोन्स में नज़र आते हैं, जैसे कि Realme 10 Pro 5G Plus जिसमें 1080 है और OnePlus Nord CE3 5G जिसमें आपको 782G प्रोसेसर मिलेगा। अगर आप Snapdragon 782G के साथ जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। वैसे जब लॉन्च होगा तब आपके लिए उसकी वीडियो तो लाऊंगा। ये था भाई पूरा मोटा मोटा इन दोनों ही चिपसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आज क्लियर हो गया हो कि भाई कौन सा प्रोसेसर कैसा है अगर इन दोनों प्रोसेसर की बात करता हूँ तो। चलो फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।